बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी हर दुआ कबूल करें। आमीन। और आपके घरों को आबाद रखे। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन की आज वीडियो मिलेगी आपको, और हम लोग ना प्रिपरेशन कर ही रहे थे कि मौसम इतना प्यारा हो गया, ये कल की वीडियो है, और मौसम एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ, इतना अच्छा लग रहा था दिल को, बस दिन चल रहा था देखते ही रहो ना, बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अच्छा, काफ़ी एकदम से ठंड भी लग रही थी। हाँ, इतनी तूफानी हवा चली है ना, ऐसी काली घटा आई कि बस। लेकिन ये कि बस गंदगी बहुत हो जाती है ना, बस बारिश अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन उसके बाद जो कराची वालों के लिए बस अच्छी नहीं होती, और रहमत जो है वो जहमत बन जाती है हम लोगों को, इसलिए पसंद नहीं हमारे लिए बन जाती है। और यहाँ पर हमारी बर्थडे की प्रिपरेशन हो रही है, और गेस्ट भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आयशा की मेहंदी लगाई, क्योंकि बर्थडे है, वो मेहंदी सबसे पहले लगवाती हैं। हाँ, मेरी बच्ची हमेशा रह जाती है ना यार। नहीं रह जाती है, हमें त्योहारों पे तो रह जाती है। नहीं रह जाती, पूरे दुल्हनों की तरह मेहंदी लगवाती हैं। ईद वाले दिन बेचारी के लगती रोते धोते। हाँ, काम इतने होते हैं, कामों में लगे रहते हैं, काम इतने होते हैं, तो बंदा क्या करे, कहाँ का वो करे ना। तो बस, और बस आयशा को बस ठीक लगी मेहंदी, इतनी अच्छी नहीं लगी, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। अच्छा, देखें हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं। अम्मी, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जेलेटिन केक। ये जेलेटिन केक बनाने नहीं बना रहे, ये हम लोग बना रहे हैं केक। केक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केक बनाने के लिए हम इसकी बना रहे हैं मिल्क मेड बना रहे हैं। इसको मिल्क मेड बोलते हैं, और वो भी बोलते हैं कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए विदाउट एग केक है, और ये बहुत अमेजिंग केक है। हाँ ना, ये बहुत मज़े का लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है केक। अच्छा देखें, इसके लिए हम लोगों ने तकरीबन ये केक टाइप डिज़र्ट है, डिज़र्ट बना रहे हैं हम ना साइड डिश के तौर पर। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने 1 कप मिल्क, 1 कप गीला मिल्क। गीला मिल्क गाय का मिल्क। गीला मिल्क कौन सा होता है? दूध मतलब कौन सा दूध? जो डेयरी वाला दूध है, डेयरी वाला जो नागोरी वगैरह टाइप में मिलता है। अच्छा, एक कप वो ले लिया, जितना जितना आपने गाय का दूध लेना है उतना ही आपने पाउडर दूध लेना है, वो भी एक, दोनों हाफ कप थे, हाफ कप डेयरी मिल्क और हाफ कप ये जो पाउडर मिल्क होता है ना ये। अच्छा, इसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना चीनी रह जाती है, तो बस हमने इसको इतना ही कुक करना है कि बस चीनी मेल्ट हो जाए, बस इससे ज़्यादा हमने इसको ना कुक नहीं करना है। और बस अब यहाँ पर हम लोग इसको ना इस तरह करके छान लेंगे, कोई शुगर वगैरह हो तो फिर वो निकल जाए ना। अच्छा, अब हम तैयारी कर रहे हैं केक वो बनाने के लिए। ये मेरी बेटी को जेली केक, आधी रात को लगता है ना, मेरी बेटी को ना आधी रात को हम लोग ये काम कर रहे हैं, हाल बुरा हो रहा है हमारा नींदों से, और ये मेरी बेटी को बस आधी रात को काम याद आता है कि मामा ये करना है। हाँ, तो इसके लिए हमने 4 कप पानी लिया, और इसके अंदर ना तकरीबन 1.5 कप चीनी डाली है, और चीनी डाल के इसको हम बस इसको बस इतना बनाने के बस मेल्ट हो जाए, और इसको छन्नी से छान लेंगे, कि चीनी के अंदर अक्सर बार ना कतरा वगैरह हो जाता है। हाँ, इसको छान लाजमी लिया करें ना, आता है जैसे गुड़ में होता है ना, तो उसे चीनी में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बारीक बारीक सा होता है, मेल मेल सा ना, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ, और वो छान लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग जेलेटिन पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। जेलेटिन पाउडर हमने इसके अंदर डाला था तकरीबन 3 टेबल स्पून भर भर कर। हाँ, ये ना इसमें तो पहले 2 डाला था। आप इसकी जगह जेली मिक्सचर भी ले सकते हैं, हमारे पास था नहीं इसलिए हम लोगों ने फिर ये लिया। आप ना जेली मिक्स ले लिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, जेली मिक्स ज़्यादा अच्छा होता है, इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का होता है। इसका फ्लेवर कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा कुछ ना। हाँ, कुछ अच्छा नहीं है इतना, तो जेली मिक्स लीजिएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आप वो डाल दिएगा। अच्छा, इसको भी बस जेली मिक्स को डालकर पानी में डिजोल्व करेंगे, और 3 टेबल स्पून में ऐसा ऐसा करके डालूंगे, बस हम लोगों ने इतना ही कुक करने के बस पानी में डिजोल्व हो जाइए। आप इसकी जगह अगर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिलता नहीं है, हमें मिला नहीं अगर पाउडर। और जेली मिक्स हमें हमारे मतलब जेली मिक्स हम लोगों ने डालना नहीं था, तो प्रोग्राम हमने चेंज हो गया था कि जेली मिक्स डालेंगे, लेकिन हमारे पास फिर अवेलेबल नहीं था जेली मिक्स। आप जेली मिक्स डालिएगा इसकी जगह ना, तो उससे और ज़्यादा फ्लेवर ना इन्हेंस हो जाता है। और ये देखें, बस इसको हम इतना बस हम इसको उसको विस्क की मदद से इसको ना मतलब हल करेंगे। अब इसके बाद हम पाइनएप्पल कट केन खोल रहे हैं, और इतना मुश्किल हो रहा था ये खोलना हमारे लिए, पाइनएप्पल का डब्बा में इतना मुश्किल था, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि पता कुछ जंग अजीम कर रहे हैं ना। अम्मी ने हथौड़ों तक से खोला है इसको, मैं तो मैं परेशान हो गई, वो हमारा खोल वो जो खोलने वाला है वो मिल ही नहीं रहा, पता है आपको ऐसा ही होता है, जब कुछ ज़रूरत होती है ना तो वो चीज़ मिलती ही नहीं है।
हाँ ना, इतनी मेजरिंग कप खो गए पहले, मेजरिंग कप नहीं मिले, और जब सब कुछ सब कुकिंग हो गए तो एंड में मिले। और चले देखें हम, बहरहाल पाइनएप्पल हम इसके अंदर पाइनएप्पल हम निकाल लेंगे। अच्छा हम लोगों ने कुछ मैंने तकरीबन एक अनार ले लिया था, और दो कीवी थी, और एक ऑरेंज था, और एक स्ट्रॉबेरी, दो तकरीबन आधा एक पाव थी ना मैं स्ट्रॉबेरी, हाँ एक पाव थी स्ट्रॉबेरी, उसको बीच में से कट कर लिया ना, बस दो ही पीस करने हैं। और पाइनएप्पल को अम्मी थोड़ा सा पुतला कर रही थी क्योंकि काफ़ी थिक लग रहा था अम्मी को ये। अब इसको हम विस्क से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बस अब हम इसके अंदर पहले 2 टेबल स्पून ये डालेंगे जो जेली मिक्स है, हम इसको ठंडा करके डालेंगे जब तक इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट हमने रखा था कि धुएँ निकलने ख़त्म हो जाएँ, फिर हमने इसके अंदर करा। अच्छा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो साथ में यहाँ पे बैलून्स पुल करे जा रहे हैं तो फिर थोड़ी आपको नॉइस सुनाई देगी। अच्छा देखें यहाँ पर हम लोग डालेंगे कीवी और साइड्स में स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको डेकोरेशन पसंद हो ना आप वो कर सकते हैं। और अम्मी हमारे गेस्ट कौन आ रहे हैं? हाँ हमारे ये गेस्ट आ रहे हैं घर में हमारे, बस कब से हमको इंतज़ार था उनका और बस आज वो आ रहे हैं हमारे घर में। तो गेस्ट कौन आ रहे हैं हमारे घर में तो आप ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये बैलून्स की बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही हैं। तो बस तो गेस्ट कौन आ रहे हैं तो ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी प्रिपरेशन कैसी लगी। रात के 4 बजे तक हमने ये प्रिपरेशन करी है। हाँ ना आधी रात तक मेरी बेटी ने मुझे जगाए रखा। क्या जगाए रखा? आपने मुझे और मैंने आपको। हाँ तो क्या करें फिर, जब खाली आपको भी छोड़ के मेरा फिर दिन नहीं जाता सोने का कि मैं कहती हूँ अल्लाह बच्ची पता नहीं परेशान होगी, क्या करूँ फिर, लगना पड़ता है साथ, क्या करें बंदा, फिर बंदा बस यही कर सकता है और क्या कर सकता है। हाँ फिर बंदा मजबूर हो जाता है अम्मी के तहत। अच्छा देखें बस अब इसके अंदर हम फ्रूट्स डालेंगे जो, और यहाँ पे एक मैंने तकरीबन एक एप्पल था उसको भी हमने इस तरह काट लिया। बस ये सारे फ्रूट्स, जो भी आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हो आप इसकी जगह फ्रूट्स भी चेंज कर सकते हैं। और इसके ऊपर अनार डालेंगे और बस जो जो आपके पास फ्रूट्स हैं। अच्छा हमने पे जो पहली लेयर थी ना उसको तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो जम जाए, उसके बाद नेक्स्ट लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे ना, फिर इसके बाद दोबारा से जेली मिक्स रखेंगे, फिर नेक्स्ट फ्रूट्स रखेंगे, फिर दोबारा जेली मिक्स डालेंगे। तो हमने इसको 20-20 मिनट के रेस्ट के साथ डालना है ना, तो एक साथ में डाल सकते हैं आप, तो आपने इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और बस साइड्स में भी हम इसके यहाँ पे कीवी और स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो भी आपको लगानी है आप वो लगाएं, और बस इस तरह हम कर लेंगे, बस साइड्स में इस तरह लगाते जाएंगे और बस करते जाएंगे। तो ये देखें बस हमने यहाँ पर तकरीबन जो जेली मिक्स है वो डाल दिया है, और बस इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया तकरीबन, इसको जमने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं ना जमने के लिए, तो आपने इसको जमने रख देना है। अब इसके हम जो हमने केक की तैयारी करनी है, केक की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको मोल्ड ले लेना, मोल्ड के ऊपर आपने लगाना है बटर पेपर, बटर पेपर के ऊपर बटर पेपर का फिर आप ग्रीस करेंगे ऑयल से, बटर से या किसी भी चीज़ से। तो अम्मी बाकी की रेसिपी आप बताएँ। हाय मेरे अल्लाह, मेरे तो गुब्बारे फुला फुला के मेरा तो जान निकल गई है। और क्या करना था पता नहीं, अब बाकी की रेसिपी तो आप बताएंगे क्या करना है इसको। अच्छा मैदा डस्ट किया हमने बटर पेपर के ऊपर, और बताएं मैं आगे की रेसिपी। हाँ उसके बाद फिर हम लोगों ने ना क्या करा था, उसके बाद हम लोगों ने बटर बनाया था। एक्साइटमेंट की इंतहा हो रही है, बटर बनाया था अम्मी की बलून। मैं क्या करूँ यार है ना, अभी तो बहुत कम टाइम रह गया ना, गेस्ट आने वाले तो अच्छा थोड़ी लगता है ना बंदे को। हाँ और मुझे अभी शावर भी लेना, मैं इतनी मज़े से वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी बैठी हुई, मुझे हंसी आ रही है। बस मैंने बोला कि मैं वीडियो अपलोड कर मतलब वीडियो को कन्वर्ट कर दूँगी, मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो जाती है इसलिए मैं पहले वीडियो कन्वर्ट करने बैठ गई। अच्छा आपने इसके लिए बटर ले लेना है, बटर हमने तकरीबन 60 ग्राम्स हमने बटर लिया था, यानी 60 ग्राम तकरीबन 2 से 3 चम्मच बटर था। और इसके बाद हमने जो कंडेंस मिल्क बनाया था ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम विस्क की मदद से इतना ज़्यादा हम इसको फेंटना है कि जो ये लम्प फ्री हो जाए, बिल्कुल स्मूदी बन जाए ना, बिल्कुल स्मूद हो जाए, कोई भी ज़र्रात वगैरह इसके अंदर ना रहें।
तो बस इसको मतलब मिक्स करेंगे। ये हम तीनों मिलके काम कर रहे होते हैं, कभी मेरी बहन, कभी मेरी अम्मी, कभी मैं, तो हम इस तरह कर करके ना काम कर लेते हैं, आराम से ईजी भी हो जाता है। और ज़्यादातर मैं वीडियो बना रही होती हूँ और अम्मी ज़्यादा काम कर रही होती हैं। अच्छा बस बीच बीच जब मैं कैमरा ऑफ करके भी काफ़ी हेल्प करती हूँ, लेकिन कैमरा ऑन में मैं बहुत कम हेल्प करती हूँ। अच्छा देखें बस ये आयशा को हम आयशा भी मिक्स कर रही हैं, और आयशा की मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और बस इसके अंदर हमने डालना है एक कप और एक चौथाई कप मैदा, ठीक है। तो आपने इसकी क्वांटिटी यही रखनी है, तो एक कप और एक चौथाई मैदा डालने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। वो सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आयशा को काफ़ी मज़ा आ रहा था इस तरह करने में, और आयशा हमेशा केक्स के मिक्सचर करने में बस काम करती हैं, बाकी और तो कुछ नहीं करती। लेकिन हाँ केक के मिक्सचर वगैरह करने हो ना, फेंटने हो, तो वो कर लेती हैं आराम से। इसके बाद हमने यहाँ पर स्प्राइट ले ली है, तो हाँ इस केक में स्प्राइट डलेगी, यानी कोई भी कोल्ड ड्रिंक यानी सोडा टाइप, सोडा वैसे जाता है, मेरे पास सोडा नहीं था तो हमारे पास यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्प्राइट डाल दी, तकरीबन 1 कप स्प्राइट डाली थी ना। तो बस इसको भी हम इसको अपने बैटर के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि बैटर बहुत थिक हो रहा था। स्प्राइट डालने के बाद काफ़ी चींटे मारने लगा था बैटर, पता नहीं क्यों। तो अच्छा देखें हम इसको मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से, और इस तरह आराम आराम से इसको चलाएँगे, और बस इसको हम लम्प फ्री करेंगे। बिल्कुल स्मूथ, इतना मज़ेदार, इतनी मज़े की फ्रेगरेंस आ रही थी ना इसके अंदर से, बहुत अच्छी। अब इसके बाद इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे हम इसके अंदर वनीला एसेंस के। आप इसकी जगह मतलब पाइनएप्पल एसेंस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं था तो हमने वनीला एसेंस ले लिया। अच्छा मैंने आधा कप कोल्ड ड्रिंक पहले डाली थी स्प्राइट इन्हें, और आधा कप मैं अब डाल रही हूँ ना, तो इस तरह करके कि हम इसको बैटर में डालेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर कितना लम्प फ्री हो गया है। हाँ इतना ज़बरदस्त बना था ना, बहुत ज़बरदस्त हो गया ना ये। उसके बाद फिर इसको हमने ना उसमें, ये देखो आयशा इतना तंग कर रही थी ना, बस इसको ये था कि बस मेरी बर्थडे का केक है तो मैं बनाऊँ ना, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। इतनी मुश्किल से इसको हम लोगों ने संभाला कि बेटा बर्थडे आपकी है लेकिन केक तो हमें बनाने दो ना आप। हाँ लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि हम वो डिज़र्ट के तौर पर रखेंगे और केक भी मंगवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम केक भी मंगवाएंगे, और बिरयानी की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी तो मैंने इसको इसके अंदर बिरयानी की वीडियो एडिटिंग करी। अच्छा अब इस बैटर को हम अपने मोल्ड के अंदर डालेंगे, और देखिए इस तरह रिबन लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा पेस्ट था ये रिबन की तरह, उस रिबन लाइक स्ट्रक्चर, बायोलॉजी पढ़ पढ़ के रिबन लाइक स्ट्रक्चर पढ़ने में मेरे आ गया ना मुँह में। अच्छा देखें अब मतलब इसको ना स्पैचुला की मदद से निकालेंगे, तो इससे आपका मोल्ड काफ़ी क्लीन हो जाता है और आपका रिस्क जो है ज़ाया नहीं हो पाता ना, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। और स्पैचुला काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। और बैलून्स की आवाज़ें आपको मुसलसल मिल रही होंगी, हमें फट जाएगा ये। और यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट अगर मैं करूँ ना तो फिर मज़ा आया आप लोगों को, देखती हूँ हो सकता है मैं लाइव आऊँ आज, इंशाल्लाह लाइव आऊँगी। अच्छा देखें अब इसको हम ना माइक्रो ओवन के अंदर रख देंगे, प्रीहीट कर लिया था ओवन को। अच्छा देखें वो जो तीसरी लेयर लगाने के बाद, दूसरी लेयर लगाने के बाद तीसरी लेयर लगा रहे हैं, तीसरे लेयर पर हम थोड़े से अनार डालें, और बैलून्स भी काफ़ी फटे जा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए तो भाई। अच्छा देखें ये फ्रूट्स के कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये फ्रूट्स, काफ़ी मज़े के लगते हैं। और जो लोग हेल्दी ईटिंग करते हैं वो लोग ये खाएं तो वे मतलब काफ़ी अच्छे हैं इनके लिए, और शुगर नहीं ऐड करें तो ये उनके लिए अच्छा भी है। और जिनको केक्स खाना पसंद है तो वो इस तरह कर सकते हैं, तो हेल्दी ईटिंग में भी आपको नुकसान नहीं देगा। और बस अब इसको हम जो मतलब बाकी जो फ्रूट्स डालेंगे और बस को दोबारा फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हमने शुगर ले लिया तकरीबन 1 कप, नान खतायों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी नान खतायों बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप चीनी ली, इसको हमने ग्राइंडर के जग में डाल दिया, और इसके साथ ही हमने 2 से 3 इलायचियाँ भी ले ली थी साथ ही, और उनको भी हम लोगों ने इसके अंदर ही डाल दिया ताकि वो चीनी के साथ ही पिस जाएँ। इसके बाद इसको हम अपनी छन्नी के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद इसको स्टेन करते हुए ताकि इसके अंदर कोई जो जर्रात वगैरह
हैं जो मोटे मोटे, तो वो निकल जाए। देखिए इस तरह से जो चीनी रह जाती है तो वो आराम से आपकी छन जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया हाफ कप यहाँ पर बेसन है और 3 टेबल स्पून सूजी, 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास और इसको भी हम छान के डालेंगे क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी दफ़ा कचरा वगैरह होता है, तो इसलिए आप लोगों को इसको छान के डालना चाहिए। और मैं नान खतंगियाँ बना रही थी क्योंकि अच्छा नान खतंगियाँ मैं बताऊँ सच तो मैंने समरा आंटी से ही सीखी थी बनानी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने नान खताई बनाई थी तब भी मैंने समरा आंटी की रेसिपी से ही बनाई, रेसिपी से बनाई थी। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ और फॉलो करती थी समरा आंटी की रेसिपीज़ काफ़ी सारी क्योंकि बहुत अच्छी, जब मैं छोटी होती थी जब वो मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आती थी ना, मुझे भी काफ़ी शौक होता था कि हम भी इस तरह की चीज़ें बनाएं। एक दफ़ा हम लोगों ने साथ मतलब समरा आंटी के हमारे घर पर आई थी और मतलब घर पर तो वो आती रहती थी, तो हम उन्होंने हमारे किचन में फिर हमें केक बना के दिया था और मतलब काफ़ी, और पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़ा की जैसे फ़िश पिज़्ज़ा बनाया था काफ़ी पहले दिनों की बात है, मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं। चॉकलेट केक बनाया था उन्होंने, उनको काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि बनाने के लिए, क्योंकि वो किसी के घर में बनाना बहुत मुश्किल होता है। अपने घर में इंसान को अपनी चीज़ों की आदत होती है, अपनी मेजरमेंट्स की आदत होती है, तो किसी के घर में बनाना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर 1 कप घी ले लिया, मेल्टेड घी, इसको मैंने फ्रिज में रखा था लेकिन तकरीबन 20 मिनट के लिए, ये थोड़ा आधा जम गया था और आधा जमा हुआ नहीं था, तो फिर बस मैंने ऐसे डाल दी क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी हमारे पास, बहुत कमी थी टाइम की हमारे पास, तो इसलिए हम लोगों ने बस ऐसे डाल दिया। अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम इसके अंदर डालना ही भूल गए थे, तो फिर हमने बाद में डाल दिया 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला और इसको भी अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे और बस इसकी बस गोल गोल नान खतंगियाँ बनाएंगे और बस बैलून्स की आवाज़ें आएंगी आपको फिर। अच्छा देखें यहाँ पर जो हमने नान खतंगियाँ हैं उनको रख देंगे और नान खतंगियाँ रखने के बाद नान खतंगियाँ को ना हम बेकिंग ट्रे में रख लेंगे, बटर पेपर लगा लिया था मैंने पहले, तो नान खतंगियों को हम इस तरह रख लेंगे और बस गोल गोल करके। अच्छा बादाम, बादाम लगा लें आप और काजू लगा लें आप, कुछ भी लगा सकते हैं ना इसकी जगह, है ना अम्मी? हाँ इसकी जगह कुछ भी आप लगा लेना, बहुत अच्छी लगती है ना ये चीज़ बनी हुई ना नान खतंगियाँ वगैरह, सर कोई भी मेहमान वगैरह आए तो उसके आगे घर की बहुत मज़े की होती हैं, होती है बहुत ताज़ी भी होती है और बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है क्योंकि वो आपने किसी के लिए इतने प्यार से बनाई होती है तो ज़ाहिर सी बात है टेस्ट तो हो गई। अच्छा पहले समरा आंटी ने हमें खिलाई थी, बहुत अच्छी लगती है समरा आंटी की नान खतंगियाँ भी, और बस अब हम इसके ऊपर एग योक से ब्रशिंग कर देंगे इसके ऊपर और बस इसको हम बेक करने रख देंगे। बस कितना इतनी इजी होती है नान खतंगियाँ बनाना, को नान खतंगी बनाने के लिए कोई बहुत आसान होती है नान खतंगियाँ, आप बना सकते हैं आप बहुत इजीली। हाँ बहुत आसान है, कोई तो मुश्किल नहीं है, बस बिस्किट्स बनाना काफ़ी आसान है मतलब केक्स के मुकाबले में, तो बिस्किट आप आराम से बना सकते हैं। और बस इसके ऊपर हम एग की ब्रशिंग करेंगे और बस लगा इसको बस माइक्रोवेव में रखेंगे। कितनी देर के लिए मैं रखा था हमने 5-10 मिनट के लिए हुआ था शायद, 5 मिनट या 10 मिनट लगे थे, बस 10 मिनट लगे होंगे। हाँ 10 मिनट में ये बन के तैयार, इतनी जल्दी से बन जाती हैं, बहुत बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा साथ ही हमारा केक भी जैसे बन गया था, अच्छा कि बनने में हमारे तकरीबन पूरे 45 मिनट्स लगे थे, पूरे और बहुत सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ है ना अम्मी? हाँ बहुत मज़े का बना था उसको केक, वाकई बहुत मज़े का था। हमारा कभी भी वनीला केक इतना अच्छा नहीं बना, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था ना अम्मी? हाँ बहुत मज़े का बना था ना, वाकई में इतना अच्छा कभी टेस्ट मैंने भी नहीं खाया ना। हाँ मतलब हम लोगों ने कभी इतना अच्छा, हमने नहीं इतना अच्छा, हमारे घर का इतना अच्छा कभी नहीं बना। हाँ तो ये बहुत अच्छा बना था हमारा केक, आप लोग भी बनाइएगा, ये बहुत अच्छा बना था। अच्छा इसके ऊपर हमने बस बादाम लगा दिए और बस इसको भी हम बेक करने रख देंगे ओवन के अंदर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स मैंने नीचे वाली रॉड जलाई थी, 10 मिनट्स मैंने ऊपर वाली, इस चीज़ का बहुत प्यारा कलर सा आ गया था। साथ में हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी फेंट रहे हैं, कॉफ़ी तकरीबन 1/3 कप थी ये, तो तकरीबन 7 कप कॉफ़ी बनानी थी तो फिर इतनी लिए, और फिर दो हमने यहाँ पर 1/2 कप शुगर इसके अंदर डाल दी और बस इसको अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल के थोड़ा पानी डलते इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इससे आप मतलब ना बहुत कम पानी डाल के फिटी जाती है ना अम्मी कॉफ़ी? हाँ बहुत कम पानी डालते हैं ना इसके अंदर, अगर ज़्यादा पानी डालो ना फिर वो बनता ही नहीं है, झाग ही नहीं बनता उसका ना। हाँ बनता ही नहीं है तो फिर ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, बहुत कम डालिएगा।
और बहुत काफ़ी देर लगती तकरीबन, लेकिन ना हैंड बीटर से ज़्यादा अच्छी ना अगर आप हाथ चम्मच से करें ना तो ज़्यादा अच्छी बनती ज़्यादा टेस्टी बनती है वो ना। मुझे वही पसंद है हाथ की बनी हुई, मुझे बीटर बीटर की मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल। और चाय तो पीती नहीं हूँ, बस कॉफ़ी पीती हूँ। हम लोग कॉफ़ी ग्रीन टी इसके दीवाने हैं, तो चाय हमें पता भी नहीं उल्टी आती जाएगी स्मेल से भी हमें, है ना अम्मी? हाँ मुझे बस बहुत जल्दी ख़राब होता है मेरा। हाँ कभी पी नहीं ना, तो जब पहले पीते थे तो उल्टी आ जाती थी, कभी भी नहीं पी गए हमसे। अच्छा देखें केक को हम ना कट करेंगे बीच में से, हम लोग साइड्स में से निशान लगा देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग का एक नया तरीका है, अब काफ़ी पुराना है वैसे, काफ़ी लोग करते हैं इस तरह, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम किया था। थ्रेड लिया, थ्रेड से काफ़ी अच्छा हो गया, आसानी से काम हो गया, वरना केक ठीक नहीं कटता। हाँ ना इससे वरना अच्छा कट जाता है ना केक, बहुत अच्छा कट जाता है इससे केक आपका, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। तो थ्रेड को हमने इस तरह बीच में रखा और साइड से इस तरह खींच लेंगे और आपका केक बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। हमें इतना डर लग रहा था कि इतना सॉफ्ट है कि हम कह रहे थे इसको उठाएं तो कहीं ये टूट के गिरी ना जाए, है ना अम्मी? बहुत सॉफ्ट बना था और फॉर्मी भी था, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बना था हमारा केक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अभी कर दें, देख रहे हैं अगर इतनी देर से देख रहे हैं तो आपको यकीन है अच्छी लग रही है वीडियो, तो अब तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा देखें अब हम केक को ना हम इस तरह करके ना रख देंगे। अच्छा हमारे पास ना जो केक की ट्रे होती है ना वो हम रख लेते हैं वॉश करके, है ना अम्मी? हाँ ना वो फिर काम आती है जब हम घर में बनाते हैं ना, बाज़ार से भी ज़्यादा केक आता ही है, हर घर में आता है कितना भी बनाने वाले हों। हाँ बस भी बाज़ार से आता, बाज़ार वो उसके मुकाबला कौन कर सकता है अम्मी? हाँ ना फिर और फिर ये प्रोफेशनल होते हैं रोज़ाना बनाते हैं तो फिर वो तो फिर केक तो अलग ही होते हैं ना फिर। हाँ, उनके केक तो बिल्कुल अलग ही होते हैं। अच्छा इसके बाद हम उसके ऊपर पाइन एप्पल वाटर डालेंगे, यानी पाइन एप्पल का जो पानी था ना केन टिन के अंदर जो था वही हम इसके अंदर डालेंगे, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत अगर आपके पास स्प्रे हो ना तो आप स्प्रे से भी कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए हमने जो केक्स के मैंने बताया था ना कि ट्रे हम उसको संभाल लेते हैं वॉश करके, तो बस हमने उसके ऊपर रख दिया। देखिए केक बहुत सॉफ्ट था और ये झड़ रहा था इस तरह, तो यही अच्छे केक की पहचान होती है कि अगर आपका केक इतना झड़ रहा है तो आपका केक बहुत ज़्यादा स्पंजी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना अम्मी? हाँ ना ये अगर जब तक ऐसा ना हो चिपचिपा सा हो ना वो अच्छा नहीं लगता ना, ये ऐसा होना चाहिए, असली केक की पहचान ही है ये। हाँ तो बस इस तरह। और अच्छा इसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम इसकी फेंटेंगे, तो व्हिपिंग क्रीम को हम एक मतलब बॉल के अंदर, कांच के बॉल के अंदर निकाल लेंगे और साथ में बस इसके नीचे आपको ठंडा पानी होना चाहिए बिल्कुल बर्फ़ बर्फ़ वाला। हम तो हमारा बर्फ़ वाला पतीला था जमा हुआ, तो हमने उसके ऊपर ही रखा और इसको हम फेंट लेंगे हैंड बीटर की मदद से इस तरह से हैंड बीटर। हाँ तो बस हैंड बीटर से हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे और हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है रेडी हो जाएगी। अच्छा व्हिपिंग इसके अंदर ना शुगर नहीं थी, अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम के अंदर चीनी दली हुई है ना, आइसिंग जो शुगर होती है यानी पिसी हुई चीनी, तो आप नहीं डाले, लेकिन हमारी व्हिपिंग क्रीम के अंदर चीनी नहीं थी हम, तो हमने चीनी डाली है इसके अंदर, तकरीबन हाफ कप के दरमियान चीनी डाली थी। अच्छा इसको ना छान की तारीफ थी कि कहीं इसके अंदर भी कोई ज़रा तो ये अच्छी व्हिपिंग क्रीम कभी कभार फट जाती है और अच्छी नहीं बनती। अच्छा ये देखें दूसरा बैच जो है हमारा ये भी रेडी हो गया, बहुत खूबसूरत कलर आया था, बहुत अच्छे बनते। देखें व्हिपिंग क्रीम हमारी कितनी अच्छी सी हमारी मतलब बीट हो रही है ये। इसके बाद हमने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करा, तो रेड फूड कलर डाला तो ये पिंक हो गया, वाइट और रेड मिलकर पिंक कलर बनाते तो ये पिंक हो गया, देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। तो बस हमारी व्हिपिंग क्रीम भी बस रेडी हो जाएगी, इसको इसी तरह करते रहेंगे बीट करते रहेंगे। और अगर आपके पास पाउडर वाला है ना फूड कलर तो आप ज़्यादा मत डालें, ये सॉल्टी होता है, नमक नमकीन होता है, तो ये नमकीन कर देगा आपकी व्हिपिंग क्रीम को, तो आपने कम ही डालना है। अगर मैं चाहती तो इसके अंदर रेड कलर और डाल देती लेकिन नमकीन कर देता, इसलिए मैंने नहीं डाला। इसके बाद इसके अंदर 2-3 तकरीबन हाफ टी स्पून जितना इसके अंदर वनीला एसेंस डाला था, जिसके इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो गया था। और ये देखिए व्हिपिंग क्रीम हमारी फिट गई है, अगर नहीं गिरे तो इसकी यही पहचान है कि आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से फिट गई है और ये केक पर लगने के लिए रेडी थी। तो हम केक के साइड्स में इस तरह लगाएंगे और बस इसको इस तरह स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छा अगर आपको अगर आपके केक जैसे हार्ड हो जाते हैं ना, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि ना मतलब आप इसके ऊपर ना कवर शॉपर से ना शॉपर वगैरह से कवर करके ना लगाए मतलब रखा करें, तो आपके केक्स हार्ड नहीं होंगे। इसको पूरा पैक करके ना तो आपके केक्स हार्ड नहीं होंगे, तो इससे आपके केक सॉफ्ट रहते हैं बिल्कुल, इसके ना उसका जो मॉइस्चर है ना वो उसके अंदर ही रहता है और फ्रिज में जाने से ये हार्ड हो जाते हैं।
तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और केक का फ्लेवर जो होता है ना, असल फ्लेवर जो ना पूरे 24 घंटे बाद आता है, इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो ये मैंने कहीं सुना था तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। देखिए हम साइड्स में इस तरह लगा देंगे। अच्छा इतनी ज़्यादा फिनिशिंग तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी जो होती हैं जो केक अच्छा बनाने के लिए, तो हमारे पास थी नहीं। लेकिन बहरहाल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि हम इसको अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग ले आएँ। बस जितना हमसे हो रहा था हम उसको सेट कर रहे थे। और देखिए हमारा केक बस सेट हो गया है। तो वीडियो चेक वीडियो लाइक कर दें। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह मैंने आज प्रेस कर लिए हैं। आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे मेरे लिए, मेरी बहन के लिए। और मैं आपको, आयशा इधर आना, मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ आप लोगों को सामने। मेरी ड्रेस दिखा, उसकी तो सारी प्रेस ख़राब हो गई है। अच्छा उफ, तो अच्छा ये है इसकी लुक। अच्छा इस तरह से है ये, मैंने इसको अरे किस तरह पकड़ी, इसको ऐसे शोल्डर से पकड़ते हैं। अच्छा देखें इसका मैंने ना बिल्कुल गोल सादा गला बनवाया था अम्मी से। और इसका अम्मी बहुत पहले ना ये मेरा सूट कब का रखा हुआ था, तकरीबन एक दो महीने पहले, तो सिलवाया नहीं था तो अब सिलवा लिया। और इसकी इस आयशा सही से ना खराब है ना, तो इसकी ना मतलब इस तरह आगे नेट लगी हुई है। और ये जो दामन है ना दिखा आयशा, और इसकी इस तरह ना लेस लगाई हुई है ये वाली। मैं ना एक मिनट दिखाती हूँ, देखें तो ये इस तरह इसकी ना नीचे ना सारी लेस लगी हुई है। और बस इस सिंपल सा है ये। और यहाँ पर आयशा की ड्रेस, आयशा आपकी ड्रेस आयशा की है ये वाली शर्ट हाँ। और आयशा की मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है ना आयशा, आखिर इतना प्यारी लग रही है। दूसरी वाली आयशा को ना इस वाले हाथ की अच्छी लग रही है, मुझे दोनों की बहुत, मुझे इस वाले हाथ की ज़्यादा प्यारी लग रही है। जिसका ट्राउजर है ना पकड़ा आयशा, पकड़ दिखाइएगा। अच्छा इसमें इलास्टिक अभी डली हुई नहीं है, दिखाओ उसको सीधा स्ट्रेट करके दिखाओ। अच्छा स्ट्रेट पजामा, अरे ऐसे नहीं बस ऐसे ही दिखाओ इसको, इस तरह ऊपर जाना भी। एक मिनट रुक जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा इसका ना बिल्कुल स्ट्रेट पजामा है। अच्छा दिखा रहा ऊपर से दिखाओ ना थोड़ा। अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट पजामा, मैंने अल्लाह अकबर पजामा है बिल्कुल स्ट्रेट, मुझे स्ट्रेट पजामे बहुत पसंद है। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक घर की अभी तकरीबन फुल टाइप की क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ हमने स्ट्रेट करना है। इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखें शादी का कार्ड भी आया हुआ है हमारा। और ये देखें ये रहा मेरा दुपट्टा। अभी मैं लाइट दिखाऊंगी ना तो उसके बाद मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी आपको इसकी। इसके ना दुपट्टे के चारों तरफ ना लेस लगी हुई है ये वाली, तो ये ना बहुत प्यारा लग रहा है। आज नहीं अच्छा लगेगा फिर सारे बच्चे बोलेंगे तुमने गिफ्ट नहीं दिया। हाँ ना कल देना ना आयशा, आप दिलावर लो जाके मैं पड़ जा। बोलो।